तासीर एक्ट का बयान स्पर्म ग्रो रेकमेंडेड कोर्स। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक नए टॉपिक जिसका नाम तासीर एक्ट का बयान स्पर्म ग्रो रेकमेंडेड कोर्स है। नाज़रीन, मैंने इससे पहले आपको बहुत सी बीमारियों के बारे में मुफीद मालूमात और इलाज आपके साथ शेयर किए हैं, मगर आज मैं आपको मर्दाना बांझपन के इलाज के सिलसिले में तासीर दवाखाना और तासीर लेबोरेटरीज में तैयार करदा मेडिसिन का तारुफ और ये बताऊंगी कि ये प्रोडक्ट कैसे मर्दाना बांझपन को बगैर किसी साइड इफेक्ट के तेजी से खत्म करके बेऔलाद जोड़ों को अल्लाह के फजल से साहिब औलाद कर रही है। मर्दाना बांझपन क्या है और इसके मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन आप मेरे चैनल शेर मंजनी के राज में या इस वीडियो के ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करके आप मर्दाना बांझपन और इससे मुतालिक तमाम वीडियोस देख सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। औलाद की कदर उन बेऔलाद जोड़ों से पूछें जो लाखों रुपए खर्च करके भी इस नेमत से महरूम हैं, मगर अल्लाह की ज़ात बहुत करीम और बेनियाज है। इसने ऐसी जड़ी बूटियाँ और नबातात और मादनियात दुनिया में पैदा की जिससे बहुत सी खतरनाक बीमारियों का इलाज मुमकिन है। इनमें से एक बीमारी मर्दाना बांझपन भी है। नाज़रीन, आमतौर पर बांझपन औरतों की बीमारी समझी जाती रही है। अब वक्त के साथ साथ लोगों में शोर बेदार हो रहा है। इस सिलसिले में मीडिया का अहम रोल है, जिससे अब हर घर में ये बात समझी जा रही है कि बांझपन ना सिर्फ औरतों बल्कि मर्दों का भी मर्ज है। हाँ तो नाज़रीन, मैं बात कह रही थी, कुदरत ने हमें बहुत सी नेमतें जिनमें इंसान की भूख और पोशाक वगैरह की जरूरत के मुताबिक नबातात, हैवानात और मादनियात पैदा की। वहाँ अल्लाह ताला ने इंसान की तमाम जिस्मानी, जहनी और जिंसी बीमारियों का भी सारा सामान इनमें रखा है। दुनिया में जितने भी तरीका इलाज बीमारियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनकी बुनियाद कुदरती नबातात और हैवानात पर ही है। और इंसान सदियों से कुदरती जड़ी बूटियों से इस्तेफादा कर रहा है। कदीम यूनानी भी इन्हीं जड़ी बूटियों को ही इस्तेमाल करके अपनी अद्वियात तैयार करते थे और आजकल भी इन्हीं जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करके अद्वियात तैयार की जा रही हैं। नाज़रीन, आज मैं तासीर दवा खाना के जिस कोर्स के बारे में बताऊंगी, वो भी टोटली इन्हीं कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल है। तासीर एक्रो बयान स्पर्म ग्रो रेकमेंडेड कोर्स। नाज़रीन, औलाद अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से एक है। अगर आप इस नेमत से महरूम हैं तो मायूस ना हो, क्योंकि मायूसी गुनाह है। इस परेशानी का वाहिद हल आपके अपने शहर रावलपिंडी में वाकया तासीर दवाखाना के पास है। तासीर दवाखाना जो हुकूमत पंजाब से मंजूर शुदा है। नाज़रीन, तासीर एक्ट का बयान स्पर्म ग्रो रेकमेंडेड कोर्स, जिसमें नहायत ही नायाब जड़ी बूटियाँ मर्दों के जरासूमा हयात में होने वाली तब्दीलियों के अफजाशी हार्मोन HGH की सतह में इजाफा करता है और बेऔलाद अफराद के स्पर्म कम हो तो इनको नॉर्मल करता है और सीमन में स्पर्म काउंट्स की तादाद को मुनासिब तादाद में लाकर औलाद पैदा करने में मदद देता है। सीमन में मौजूद पस सेल जो मर्दाना बांझपन का बाइस बनते हैं, इसे खत्म करके हमेशा के लिए सीमन में पस सेल पैदा होने नहीं देता। जी नाज़रीन, अब मैं आपको बांझपन की इकसाम के बारे में बताती हूँ। बांझपन की दो इकसाम है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी वो शादीशुदा जोड़े शामिल हैं जो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, यानी जिनके यहाँ कोई औलाद ना हुई हो या हमल करार ना पाया हो। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वो शादीशुदा जोड़े जिनके यहाँ पहले औलाद हो लेकिन फिर वक़्त वो औलाद पैदा ना कर पा रहे हैं। इन दोनों सूरतों में तासीर एक्रो बयान स्पर्म ग्रो रेकमेंडेड कोर्स नहायत ही पुरअसर कोर्स है, जिसके इस्तेमाल से आप मर्दाना बांझपन और इनसे होने वाली तमाम मर्दाना खराबियां जो खुशगवार अज़्वाजी जिंदगी गुजारने में हायल हैं, इनको पूरी तरह खत्म करता है। तासीर दवाखाना के पुश दर पुश सदरी नुस्खा जात जो मुकम्मल तौर पर कुदरती अज्जा पर मुश्तमिल है, इन्हीं अज्जा से ये कोर्स तैयार किया गया है। नाज़रीन, इसके बाद मैं बात करती हूँ खुशियों की बीमारियों के मुतालिक। इसकी दो बीमारियाँ हैं, हाइड्रोसील, वेरिकोसील। हाइड्रोसील खुशियों के ऊपर गोश्त का बढ़ जाना, वेरिकोसील खुशियों के साथ नालियों का फूल जाना। खुशियों की ये बीमारियां भी स्पर्म प्रोड्यूस करने में हायल होती हैं। जब एक नॉर्मल शख्स मंजिल होता है तो खारिज होने वाले स्पर्म की तादाद 200 से 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन एक्टिव स्पर्म हो या 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो वो औलाद पैदा नहीं कर सकता। नाज़रीन, एक मिनट में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं, एक दिन में 72 मिलियन, और ये स्पर्म 84 यौमे में मैच्योर होते हैं। स्पर्म की तैरने या हरकत करने की रफ्तार 1 से 4 मिलीलीटर फी मिनट होनी चाहिए और अगर इससे कम हो तो मसाइल का सामना करना पड़ता है। मर्दों में स्पर्म की औसत पुख्तगी 1 से 2 यौम है। अगर इनमें खराबियां हों तो बांझपन भी हो सकता है। इसके अलावा तासीर एक्रो बयान स्पर्म ग्रो रेकमेंडेड कोर्स स्पर्म मोडालिटी यानी स्पर्म की हरकतों सपनात और स्पर्म मॉर्फोलॉजी यानी स्पर्म की शक्ल और सूरत को तेज
और दुरुस्त हालत में लाकर तमाम मसाइल को दूर करके आपकी औलाद को सेहतमंद और खुश शक्ल और मुकम्मल खद व ख्वाल के साथ जन्म देने में मावन होता है। नाज़रीन, तिब की दुनिया में तेजी से मकबूल होता हुआ आसान मौसर और बेज़र्र तरीका इलाज से तमाम मर्दाना बांझपन की बीमारियाँ हमेशा के लिए खत्म करें। मर्दों में बांझपन की पाई जाने वाली 3 किस्म की बीमारियाँ हैं। ओलिगोस्पर्मिया, इस बीमारी में स्पर्म की तादाद कम होती है। स्पर्म की तादाद 200 से 600 मिलियन होती है। अगर जैसे कम हो यानी 120 मिलियन से कम हो तो ये बीमारी ओलिगोस्पर्मिया कहलाती है। नेक्रोस्पर्मिया, मर्दाना बांझपन की ये ऐसी बीमारी है जिसमें स्पर्म मौजूद तो होते हैं मगर मुर्दा हालत में होते हैं, जो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होते। नंबर 3, एजोस्पर्मिया, इस बीमारी में स्पर्म की गैर मौजूदगी है। मर्दाना बांझपन की तीनों बीमारियों का मुकम्मल और कामयाब इलाज तासीर एक्रोबियन स्पर्म ग्रो रेकमेंडेड कोर्स में पोशीदा है। औलाद के हसूल के लिए ये कोर्स कामयाबी का जामन है। ये कोर्स नहायत ही कीमती और नयाब नुस्खा जा जो कुदरती जड़ी बूटियों और अनमोल अज्जा के मरकबात से तैयार किए हैं, जिसके कुदरती अज्जा आजू खास की रग में जज़ब होकर खून के दुरानियों को बढ़ाए, फौरी इंतशार पैदा करे, जिनसी लज़त को मजीद बढ़ाने के लिए नहायत मुअस्सर है। तासीर एक्रोबियन स्पर्म ग्रो रेकमेंडेड कोर्स मर्दाना कुव्वत को कई गुना बढ़ाकर आपको बार बार जिंसी फेर पर कादर करे। ये कोर्स जिंसी कुव्वत और लज़त को दुबाला करे जिससे आपके अज़्दवाजी ज़िंदगी का लुत्फ कई गुना बढ़ जाए। तासीर एक्रोबियन स्पर्म ग्रो रेकमेंडेड कोर्स जो किसी बे औलाद जोड़े के लिए किसी नेमत और तोहफे से कम नहीं, ये कोर्स आपको बनाए माँ बाप और अज़्दवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए मुकम्मल भरोसे और एतमाद के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।